हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए गाइस न्यू लव रीडिंग लेके आई हूँ। आज हम व्यूवर्स ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग के अंदर कि आपकी लाइफ में जो पर्सन या तो आ चुका है, आप उसके साथ में कनेक्शन में हैं, तो उसके साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है, तो वो पर्सन कैसा रहेगा आपकी लाइफ के लिए। ओके व्यूअर्स, तो बेसिकली गाइस ये एक नए रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी से देख सकते हैं, किसी भी एज के आप तो इसे देख सकते हैं। ओके, और अगर आप किसी भी जोडिक साइन से बिलोंग करते हैं व्यूअर्स, कोई भी आपकी राशि हो तो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। ठीक है, आपको देखना होगा कि आपके साथ में क्या रेजोनेट होता है। जो आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिए, उसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड व्यूअर्स, वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो गाइस ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूअर्स आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी न्यू लव लाइफ कैसी होगी। ओके, सो लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज हेल्प करिए। ओके, सो लेट्स सी, टू बी फेयर, ट्रेजर आइसलैंड सिम्फनी एंड चेंज इन द विंड। ओके व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक से ऑब्जर्वर की एनर्जी है मेरे पास। ओके, कुछ टैरो से भी लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, द फूल, थ्री ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, यहां पे बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, और इसके नीचे है फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, पहले मैं आज कार्ड निकाल रही हूँ ताकि हम ये रीडिंग में फिर पूरा कंटिन्यू एक साथ करेंगे। ठीक है, प्लीज डिवाइन हेल्प अस, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। न्यू लव एनर्जी कैसी रहेगी इनकी, न्यू लव इनकी लाइफ कैसी रहेगी। ओके, अलोननेस, माइंड, ट्रस्ट, गाइडेंस एंड द चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक से टोटालिटी एंड सप्रेशन। ओके, सो व्यूअर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कैमरा मैं एडजस्ट कर लूं नाउ। ओके व्यूअर्स, न्यू लव की हमने बात करी है तो मेरे पास गाइज यहाँ पे न्यू एनर्जी बहुत ज्यादा है आज। ओके, मुझे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है या फिर आएगा, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपकी नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। बहुत ज़्यादा जैसे कि एक ऐसी जर्नी जहाँ पे आप बहुत कुछ अपने अंदर फील करेंगे, बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर फील करेंगे जब इस पर्सन से आप मिलेंगे, तो चेंजेस की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे लाइफ में चेंजेस होना, सोच बदल जाना, तकदीर बदल जाना और एक मेंटालिटी वो भी बदल जाना इंसान की, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं गाइज मैं ये देख रही हूँ कि आप जब इस पर्सन से मिलेंगे या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है या फिर आएगा, ये आपकी उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को, उन इमोशन को, उन उन
क्वालिटी इसको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, जो आप कहीं ना कहीं जिनको आप दबा के चल रहे हो, जिनको आप फील नहीं कर पा रहे हो, या जिनको आपने कहीं ना कहीं अंदर समेट रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स मुझे, जैसे कि आप जीना चाहते हो बट अभी लाइफ में जी नहीं पा रहे हो, या अब तक उस आपने उस तरह की एनर्जी को कभी फील ही नहीं किया था, है ना। कि जैसे कभी किसी पर्सन से हम मिलते हैं और हमें सडन ऐसा फील होता है कि यही हमारा सोलमेट है, यही हमारी लाइफ के लिए परफेक्ट है, ऐसी ही वाली फीलिंग गाइज मुझे आपके लिए इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। ये पर्सन गाइज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आएगा, और आपके विजडम को एनहेंस करने की पर्सन अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेगा। जब इस पर्सन से आप मिलेंगे तो मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपके तकदीर में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि गाइज मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्ड है व्यूवर्स, ये तीनों ही कार्ड मेरे पास यहाँ पे, ये आपके बदलाव को दिखाते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे कि ये पर्सन के आने के बाद में बहुत सारे बदलाव आएंगे, एक नई जर्नी आपकी लाइफ की यहाँ पे शुरू होगी, जहाँ पे आप बहुत बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाएंगे, डेस्टिनी पे बिलीव करना सीख जाएंगे आप अपनी लाइफ में, और सक्सेस को गेन करेंगे। बहुत सारे चेंजेस ऐसे आएंगे जिनको अभी यहाँ पे कहा भी नहीं जा सकता कि आपकी तकदीर आपसे क्या क्या करवाने वाली है, क्योंकि ये जो पर्सन होगा ना आपका, ये पर्सन गाइज मुझे आपके लिए एक सोल कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। जब सोल जर्नी पे हम किसी के साथ में चलते हैं तो बहुत बदलाव आते हैं, एक सोल की जो डिज़ायर होती है वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। ओके, ये पर्सन आपको उस पर्पज़ से मिलाने की कोशिश करेगा जो आप इस दुनिया में लेके आए हैं, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे जो लोग हैं, अभी तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे या फिर नहीं समझते होंगे कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि आपको वो आपकी सोल जर्नी से मिला दे, लेकिन गाइज मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ में, और बहुत सारे अपनी लाइफ में आप चेंजेस महसूस करेंगे। सबसे पहले गाइज आपको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी इस पर्सन के साथ में आने पे, सक्सेस मिलने वाली है व्यूअर्स, अपने करियर के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे करियर आपका कहीं ना कहीं बूम पे आएगा, उसमें रैपिड ग्रेट चेंजेस आएंगे, शुरुआती टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है, शुरुआती टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा आपके करियर के अंदर भी, बट उसमें ऐसे आप कहीं ना कहीं ऐसे अपने करियर से कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं चेंजेस महसूस करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपनी करियर लाइन, अपनी पूरी लाइफ लाइन ही स्विच कर लो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्योंकि गाइस अब मुझे आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप उस पर्सन का जैसे कि वेट कर रहे हो, वेटिंग टाइम गाइस मैं आपके लिए देख रही हूँ, और वेटिंग टाइम गाइस आपका बहुत जल्दी एंड होने वाला है अगर आप उस पर्सन से मिलने वाले हैं। इसकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका पैटर्न क्या है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, क्या इंटेंशन रहती है आप लोगों से जब बात करते हैं, मतलब किस इंटेंशन से आप लोगों से मिलते हैं, इनको ये बहुत अच्छे से पता है। ये पर्सन जो है आपके व्यूअर्स, ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के लिए मुझे एक स्ट्रैटेजी के साथ में नज़र आ रहे हैं, कि इनको ये समझने की सबसे पहले आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आपसे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको एक स्ट्रांग पर्सन के रूप में देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप इतने ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में लेके चल रहे हैं, और इस तरह के पर्सन से डील करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, वही मैं आपके पर्सन की यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी को। ओके, आपके पर्सन गाइज इस तरह से अपॉर्चुनिटी का वेट करें, या इस तरह से आप मतलब शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले गाइज आपके पर्सन आपसे फ्रेंडशिप से ही शुरुआत करेंगे, उनकी फ्रेंडशिप वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि आपको कुछ गिफ्ट देके या कुछ इस तरह से मतलब धीरे धीरे बात की शुरुआत करके आपको खुश करने की कोशिश करके, मतलब किसी भी तरह से वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, ये ऑफिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कि ऑफिस का जैसे कि एक कंपाउंडिंग एरिया है ना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि वहाँ पर हो सकता है आपकी बात वहाँ से शुरू हो, और धीरे धीरे रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाए।
ओके तो यहाँ पे गाइज मुझे इस तरह की एनर्जी नजर आई, जैसे कि एक आप कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ में अकेले में ही मिलेंगे, अकेले की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर है कि लोगों से हट के अलग होके बात करना, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करना, तो चाहे जिस भी सिचुएशन में आप हो लेकिन हाँ मतलब अकेले में ही बात स्टार्ट होगी, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपको गाइज आपके अंधेरेपन से, आपके आपकी लाइफ के डार्कनेस से, आपकी लाइफ में आपके सप्रेशन से, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आपको घुटा घुटा सा महसूस कर रहे हो, वहाँ से आपको निकाल के लेके जाएंगे एक न्यू लाइफ की तरफ, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकेंगे, जीने लगेंगे अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि गाइज आपके पर्सन जो है ट्रस्टेबल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर ट्रस्ट का ही कार्ड देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना कहीं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं ये इस तरह का वादा लेके आ रहे हैं कि ये आपके साथ में आपका जिंदगी भर साथ निभाएंगे, आपका हाथ थामेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और ये पर्सन आपको यही ऑफर करेंगे कि आप मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिस तरह के आपने अपनी लाइफ में पहले देखे हैं। आपने धोखेबाज लोग देखे होंगे जो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए थे, पर मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मुझे पता है कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, रिलेशनशिप की वैल्यू क्या होती है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन का यहाँ पे ऑफर ही नजर आ रहा है आपके लिए न्यू लव का, एक प्यार का, एक कनेक्शन का, एक सेटिस्फेक्शन का, एक विश्वास का और एक साथ का, और वही आपको गाइस कहीं ना कहीं चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए आपको अपनी लाइफ के अंदर कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अब आए वो ट्रस्ट लेके आए, आपका ट्रस्ट को ब्रेक ना करे, है ना व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ आपकी लाइफ की जर्नी व्यूअर्स आपकी इसके साथ में ऐसे स्टार्ट होगी कि आपको आपके दिमागी टेंशनों से, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से, आपकी लाइफ में अंधेरेपन से और आपकी लाइफ में जो मतलब क्या है व्यूअर्स, आपके आपके दिमाग के अंदर मुझे बहुत सारी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हो, नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और कहीं ना कहीं गाइज आप इस तरह के पर्सन हो जो लोगों पर आप इजिली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, लोगों को जज करते हो कहीं ना कहीं, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा। पर ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना आप इसे जज करे भी ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि देखे मतलब ऐसा होता है ना लव इन फर्स्ट साइट, वो एनर्जी गाइज मुझे आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और आपके पर्सन की भी वही रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों की एनर्जी गाइज सेम चलेगी कि आप फिर ये सब कुछ जो सोचते हो ना, एक प्लानिंग कर रहे हो कि अब मुझे ऐसा पर्सन चाहिए वैसा पर्सन चाहिए, वो सब भूल जाओगे आप, फिर ऐसा कुछ नहीं दिमाग में आएगा। जब ये पर्सन आपके सामने आएगा इसकी तरफ बस आप बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि गाइज ये पर्सन है आपकी लाइफ में किंग ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव पर्सन रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन रहने वाला है, यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है गाइज ये कहीं ना कहीं अपने वादे निभाने वाला पर्सन है, ये ऐसा नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होगा ये पर्सन और इसके पास गाइज लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है, इसको भी पता है लाइफ किस तरह से जी जाती है, लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंस, जैसे कि एक्सपीरियंस आपने फेस करे ना कहीं वैसे एक्सपीरियंस ये पर्सन भी फेस कर चुका है, तो इसको पता है कि धोखा किसी को देना या मिलना उसका क्या रिजल्ट होता है, लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसने कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करे हुए हैं, इसको वैल्यू पता है रिश्ते की, तो इसीलिए गाइज ये पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी साबित होगा, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गाइज देखो ये जो पर्सन है ना ये ट्रस्टवर्दी होने के साथ साथ सच्चाई का साथ देने वाला पर्सन है, ये झूठ पसंद नहीं करता है, तो अगर आपके साथ में ये पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो आपको इसके साथ में हमेशा ओपन अप रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ओपन अप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन के करीब होते चले जाएंगे। ये पर्सन गाइज आपके लिए एक ऐसा हाथ लेके अपनी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको अपनी लाइफ के अंधेरेपन से, अकेलेपन से बाहर निकालेगा, ओके। तो ये पर्सन गाइज एक स्ट्रांग पर्सन है, स्ट्रांग मेंटालिटी का है ये पर्सन, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ कहीं ना कहीं गाइज ये कह सकते हैं ये अपने कल्चर को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाला भी है, बट स्टिल इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब कुछ होते हुए भी ये आपको कहीं ना कहीं वो फ्रीडम देने की पर्सन कोशिश करेगा जो कहीं ना कहीं आप चाहते हो, ठीक है। ये आपको बांधने वाला नहीं, क्योंकि गाइज ये देखो अपना पैटर्न फॉलो करने वाला है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सर आपको भी प्रेशराइज करे कि आप इसके पैटर्न को फॉलो करो, ये पैटर्न को फॉलो करने वाला पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है,
ये ओपन अप पर्सन है, जो हमेशा ओपन अप रहता है, लेकिन हाँ ये अपने बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्योंकि गाइस ये विश्वास ये रखता है कि जो पास्ट में हो गया उसे वहीं पे छोड़ दो, वहीं पे भूल जाओ और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो, ठीक है। पास्ट को पकड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए गाइस यहाँ पे ये एक मुझे ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो कि लाइफ को बैलेंस करके चलता है हमेशा अपनी लाइफ के अंदर, वो यहाँ पे गाइस आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स, आपके पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जब ये पर्सन आएगा तो सबसे पहले गाइस ये पर्सन आपको प्यार का एहसास बहुत अच्छा करवा सकता है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन रहेगा व्यूवर्स, ये आपको खुद से ही अप्रोच करेगा। सबसे पहले पहली बात तो गाइस यही नज़र आ रही है, ये जो पर्सन है गाइस ये खुद से आपकी तरफ आएगा और आपके साथ में बात करने की, आपके साथ में इंटरेक्ट करने की, आपके साथ में लाइफ को मतलब आगे रन करने की एनर्जी गाइज इस पर्सन की ही मुझे नज़र आ रही है, ओके। और ये पर्सन गाइज काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा, अट्रैक्ट कर ही लेगा, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशन को बैलेंस करके चलने वाला पर्सन है, इमोशन में बहने वाला पर्सन नहीं है। तो आप ये मत समझिएगा आप इसको इमोशनली कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब इसके इमोशन को कहीं ना कहीं अप एंड डाउन कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब व्यूवर्स वैसा नहीं है कि आप इनको कहीं ना कहीं जैसे कि प्रेशराइज वगैरह करें, लेकिन हाँ आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ हंसी मजाक करके या फिर किस तरह से इनके इमोशन को चेंज कर दूं या फिर इस तरह से इनके मूड को चेंज कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। ये पर्सन इमोशन को बहुत ज़्यादा जैसे बांध के चलने वाले पर्सन है, ये इमोशन में बहने वाले पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इनको आपके साथ में अपना फ्यूचर ही नज़र आ रहा है, इसीलिए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इनको भी लग रहा है कि यार ये पर्सन बिल्कुल मेरी ही तरह है जैसे कि मैं हूँ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं गाइज अपने आप को आपके अंदर देखा है, इसीलिए पर्सन ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे व्यूवर्स, ठीक है। जब दोनों पर्सन की मेंटालिटी, उनकी सोच मिलती है, तभी कहीं ना कहीं कनेक्शन एक स्ट्रांग होता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन मुझे आप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरह आपको स्टॉक करते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कब आप फ्री रहते हैं, कब आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, किससे आप बात करते हैं, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनको लेके, ये उनको भी ऑब्जर्व करते हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। तो इनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि गाइज मुझे तो ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन गाइज इस जर्नी पे चल चुके हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपको एडमायर करने लगे हैं, आपको आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं ये पर्सन, ओके। तो ये पर्सन की एनर्जी गाइज यही बता दी कि इनको पूरी पूरी उम्मीद है जब ये आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले सकते हैं कुछ लोग, बट आप भी इनकी तरफ उतना ही अट्रैक्शन दिखाने की यहाँ पे कोशिश करें जितना आपके पर्सन दिखा रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से अट्रैक्शन बराबर मुझे नज़र आ रहा है आपकी और आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं फील करी होंगी, अगर आप नहीं हैं और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है व्यूवर्स, तो आपके पर्सन जल्द ही इस तरह से कुछ एक्शन ले सकते हैं कि वो आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, आपसे बात करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और आपकी कहीं ना कहीं शुरुआत ही फ्रेंडशिप से होगी, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। जैसे कि एक दूसरे के साथ में धीरे धीरे कनेक्शन बिल्डअप होता चला जाएगा, फिर एक दूसरे के साथ में और क्लोजनेस बढ़ती चली जाएगी, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन गाइज देखो, ये आप समझ लो कि आपकी पूरी एक्टिविटीज़ का शेड्यूल इनके पास है कि आप कब क्या कैसे करते हो, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से देखते हैं और आपकी फीलिंग्स को भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी क्या इंटेंशन है इनको लेके, ठीक है। तो ये तभी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे जब इनको कहीं ना कहीं विश्वास हो जाएगा कि आप भी इनकी तरफ वही अटेंशन, वही अट्रैक्शन दिखा रहे हैं जो इनके अंदर है, ओके। तो व्यूवर्स यहाँ मैं वो देख पा रही हूँ, और बहुत सारे चेंजेस गाइज यहाँ पे आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, बहुत सारे चेंजेस होंगे और आप भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल जाओगे इस पर्सन के साथ में आने के बाद में, ठीक है व्यूवर्स। तो यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि न्यू लाइफ स्टार्ट होना और न्यू लाइफ में रंग भरना, अब वो आपके हाथ में, आप किस तरह से इस ब्लैंक अपनी इमेज को, अपने ब्लैंक फ्यूचर को किस तरह से कलरफुल बनाते हैं, ये आपके हाथ में रहने वाला है, ओके। तो कलरफुल बनाना है इसे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना, खूबसूरती के साथ में जीना है, ये आपके हाथ में, ये आप किस तरह से लेके जाते हैं, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कुछ चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी गाइज मुझे इस तरह से दिखा रही है आपकी पर्सन और आपकी,
जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देंगे, तो एक दूसरे के लिए जो आपके इमोशन है ना वो बहुत तेजी से सरफेस पे आएंगे, बहुत तेजी से आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वेट नहीं करवाएंगे ना आप उनको करवाएंगे ना वो आपको करवाएंगे, तो यहाँ पे जो भी होगा बहुत तेजी से होगा। जैसे कि एक दूसरे के साथ में जब भी आप मिलेंगे तो एक दूसरे की तरफ बढ़ने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक दूसरे की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग बहुत तेजी से शेयर करेंगे। ओके व्यूअर्स, और आपके पर्सन गाइज मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि ये भाई कहीं ना कहीं रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन। वो दिखाते नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा रोमांटिक हूँ, बट रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ओके, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, रोमांटिक मतलब फीलिंग्स को अपने अंदर दिखाना, और रोमांटिक गाइज म्यूजिक सुनना आपके पर्सन की कहीं ना कहीं हॉबी नज़र आ रही है। ये नज़र आ रहा है कि आपको आपके पर्सन गाइज इस तरह से कुछ स्टेटस वगैरह भी आपको शेयर करते होंगे, आई थिंक गाइज व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर फेसबुक वगैरह पे। तो रोमांटिक सॉन्ग के स्टेटस वगैरह आपने कहीं ना कहीं इनके बहुत ज़्यादा नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे जब ये आपके साथ में कनेक्शन में आएंगे, या आपको खुद से भेजेंगे, या फिर व्यूअर्स हो सकता है या इन्होंने लगाने भी शुरू कर दिए ताकि आपको हिंट मिले कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो जर्नी की बात करूं व्यूअर्स, तो जर्नी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, क्योंकि जर्नी की एनर्जी गाइज मेरे पास है। दो दो एनर्जी गाइज इस तरह से दिखा रही है कि जर्नी आपके स्टार्ट होने वाली इस पर्सन के साथ में, और जो लॉन्ग वे में है। ओके, लॉन्ग जर्नी है व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे अभी तो आपको सिर्फ इसका हो सकता है फ्यूचर भी नजर ना आए, लेकिन हाँ यहाँ पे सिर्फ ट्रस्ट की बात है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट है, जितना ज़्यादा आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतनी जल्दी ये जर्नी आपके स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो व्यूअर्स, कुछ गाइस मैं यहाँ पे मैसेज लेती हूँ कि आपके पर्सन क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके ओके, देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प करिए। ओके क्वीन, यू आर माई क्वीन ऑफ माई लाइफ। तो व्यूवर्स आप देखो इनकी कहीं ना कहीं क्वीन हो या किंग हो, ओके, क्योंकि किंग की एनर्जी तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्वीन भी निकल के आ चुका है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। जैसे कि गाइज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, तो ये जो जर्नी है ना व्यूवर्स आपकी, कहीं ना कहीं मैरिज की जर्नी नजर आ रही है मुझे, जैसे कि एक दूसरे के साथ में मैरिज को लेकर ही आप लोग आगे बढ़ोगे, है ना, वो मैं यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, तो हो सकता है व्यूवर्स किसी की जो जर्नी स्टार्ट हो एक शादी के प्रपोजल से स्टार्ट हो, कि पर्सन कोई आपके लाइफ में आए, कोई शादी का ये ऑफर आए, और फिर आप दोनों की जर्नी स्टार्ट हो एक दूसरे के साथ में, ये भी है, लेकिन फॉल इन लव की एनर्जी है। जैसे व्यूवर्स प्यार ही पहले पनपेगा इस रिश्ते में और फिर मैरिज होगी। ओके, विदाउट कांट लिव विदाउट यू व्यूवर्स, आपके लिए एनर्जी है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ओके, अब मतलब ये है व्यूअर्स, ना आप उनके बिना रह पाओगे ना वो आप पर्सन आपके बिना रह पाएंगे, और मतलब मेड फॉर ईच अदर वाली गाइज यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। ओके, वन की एनर्जी है, यू आर दी वन लकी टू हैव यू। ओके व्यूअर्स, तो आपको वो लकी वन भी मानते हैं अपनी लाइफ में कि वो आप उनको मिले हो। ओके, और आप भी यही फीलिंग करोगे कि यार आई एम द लकी वन, कि मुझे ये पर्सन मिला है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये एनर्जी नजर आ रही है। सो व्यूवर्स, ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।